वालेकुम सलाम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूअर्स। एक दफ़ा फिर से आपके लिए लेकर आए हैं जनाब वाला डाउलेंस के बाद हायर लेकर आए हैं। हायर का 216 जो 216 ई स्टार सीरीज का इस वक्त हमारे डिस्प्ले के ऊपर अवेलेबल है। 216 अगर हम बात करें तो 216 लीटर का ये फ्रिज है। वैसे 216 लीटर ये नहीं बनता। कंपनी जो क्लेम करती है इसके लीटर की तादाद कितनी है, सबसे पहले तो हम यहीं से अपना जो है वो स्टार्ट करेंगे। कंपनी ये 246 मॉडल है इसका और 216 लीटर का ये फ्रिज है। तो 216 लीटर का जो हायर का 246 मॉडल है जिसको EBS भी आप कह सकते हैं, सिल्वर कलर का इस वक्त हमारे डिस्प्ले के ऊपर अवेलेबल है। इसका रिव्यू आपके लिए लेकर आए हैं। 246 EBS, इसमें EBD भी मिल जाता है, EBS भी मिलता है। इसके अलावा इसमें फिर अगर आप EP सीरीज पे चलते हैं, EP में फिर तीन कलर मिलते हैं। ग्लास डोर सीरीज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, EP सीरीज की अगर हम बात करें तो इसमें रेड, ब्लैक और दूसरा एक कलर आ जाता है सिल्वर कलर का कंपनी, या आप इसको कह सकते हैं कि चॉकलेट कलर जो है, तीन ये कंपनी इसके अंदर दे रही है। तो इसके अंदर क्या क्या मेन फीचर्स क्या है, सिंपल डोर्स है जी। सबसे पहले कंपनी ये क्लेम करती है कि जी ये 1 hour आइसिंग टेक्नोलॉजी के साथ है। एक घंटे में हायर का फ्रिज अगर ये मुसलसल चल रहा है तो घंटे अगर आप एक कटोरा इसके अंदर रखते हैं तो एक घंटे में ये बर्फ़ इसमें जमा लेता है। ये कंपनी की क्लेम है। और कंपनी एक और क्लेम करती है कि ये -25 degrees तक इसके अंदर कूलिंग चली जाती है। उसकी क्या वजह है उसके ऊपर भी आगे वीडियो में आते हैं, वीडियो आपने पूरी देखनी है। इवापोरेटर इसके 5 है। ये जो बेसिक 3-4 पॉइंट इसके ऊपर इन्होंने दी है, बेसिकली ये एक दूसरे की तायीद करते हैं। जैसे कंपनी क्लेम करती है कि 1 hour आइसिंग टेक्नोलॉजी है, तो वो क्यों 1 hour आइसिंग टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये -25 degrees पर जाता है। अब एक फ्रिज -25 degrees पे जाएगा तो ऑब्वियस बात है वो एक घंटे में बर्फ जमाएगा। दूसरी जो बात है, ये -25 degrees पे क्यों जाता है वो उसकी तायीद है। तीसरी जो इनकी बात है वो क्या बात है, वो ये है जी पाइप वे इवापोरेटर है। अब ये -25 पे इसलिए जाता है कि इसके अंदर इवापोरेटर की तादाद 5 है। इवापोरेटर बेसिकली कूलिंग प्लेट्स होती है, ये 5 साइडों से कूलिंग करता है, इसीलिए इनका फ्रिज -25 पे जाता है। अब -25 पे जाएगा तो इनकी जो क्लेम है कि जी एक घंटे में बर्फ़ जमाता है, तो वो क्लेम पर ऑब्वियस बात है कि 5 साइडों से ये कूलिंग करेगा तो -25 पे ये इसकी कूलिंग जाती है, और जब -25 पे ये जाता है तो फिर ऑब्वियस बात है ये एक घंटे के अंदर कूलिंग करेगा। पाइप वे इवापोरेटर होने के साथ साथ कंपनी ये क्लेम करती है कि ये इनर्जी सेविंग है, 30% ये इनर्जी सेविंग है। वो क्यों इनर्जी सेविंग है, क्योंकि इसके अंदर जो गैस डली है वो लाइट गैस है, R600 इसको कहते हैं, लाइट गैस है। उसके लिए उसको मूव करने के लिए, उसको प्रेशर देने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए नहीं होती, इसलिए कंपनी कहती है कि ये 30% एक्स्ट्रा कूलिंग या 30% ये बिजली की बचत करता है। एंटीबैक्टीरियल पैनल है इसकी, आप ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा इसका जो प्लास्टिक इसके अंदर यूज हुई है वो एंटीबैक्टीरियल प्लास्टिक है, ABS जिसको आप कह सकते हैं। पाइप वे इवापोरेटर है, दो इसके अंदर जनाबे वाला ऊपर इन्होंने रैक्स रखे हैं, दो रैक नीचे रखे हैं, एक सब्जी का बिग बॉक्स रखा है। बोतल गार्ड तीन एक साइड के ऊपर है, दो ऊपर वाले साइड के ऊपर, डीप पॉकेट्स जिसको आप कह सकते हैं। रैपर अलग इन्होंने दिया है, ड्रेनेज खोलने के लिए अलग वो चीज़ें इन्होंने इसके साथ दी है। एग्ज होल्डर अलग है, चाबी है इसके अंदर अपनी पड़ी है। रिमूवेबल गैसकेट के साथ 246 EBS इस वक्त जो है हमारे डिस्प्ले के ऊपर लगा हुआ है, 39,000 रुपए का ये इस वक्त डिस्प्ले के ऊपर लगा हुआ है। आप यहाँ पर भी आके इसको ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा आप पूरे पिंडी इस्लामाबाद में कहीं पर भी है तो फ्री डिलीवरी के साथ घर मंगवा के बेहतरीन इसको इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।